गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी फाइंड आउट किए थे ओके okay? आज हम लोग क्या करेंगे उससे रिलेटेड कुछ नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्लियर सो फर्स्टली क्वेश्चन नंबर वन ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ टू मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वन पॉइंट सेवन इन टेन टू दावर माइनस सिक्स मीटर स्क्वायर हैज ए रजिस्टेंस ऑफ टू इंटू टेन टू दावर माइनस टू ओम ओके कैलकुलेट द रजिस्टिबिटी ऑफ कॉपर क्लियर तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे गिभन में क्या क्या थिंग्स दिया हुआ है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आर कितना दिया हुआ है टू इंटू टेन टू दावर माइनस टू ओम एरिया ओके और लेंथ ऑफ द वायर कितना है टू मीटर फाइंड आउट क्या करना है रेस्टिविटी रेस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं और रेस्टिविटी यहाँ पे क्या है ओके वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है रो दैट इज रेस्टिविटी टू आर इंटू ए बाय एल वेयर आर इज रेजिस्टेंस ए इज़ एरिया ऑफ क्रॉस एंड एल इज लेंथ ऑफ द वायर ओके नाउ सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ द वायर इन दिस फॉर्मूला देन रो इक्वल टू टू इंटू टेन टू दावर माइनस टू टू वन पॉइंट माइनस माइनस सिक्स और टेन टू दावर माइनस टू चूंकि क्या बेस यहाँ पे दोनों का सेम है तो बेस सेम है क्या हो जाएगा पावर ऐड हो जाएगा तो टेन टू दावर माइनस टू और माइनस सिक्स कितना हो गया माइनस एट यानी कि रो रेस्टिविटी तो कितना निकल गया पावर माइनस एट ओम मीटर क्लियर तो इस टाइप के क्वेश्चन में आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए ओके okay? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक कॉपर वायर हैज ए डायमीटर ऑफ जीरो पॉइंट फाइव मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस एट पावर माइनस एट ओम मीटर तो अगर इस वायर का रजिस्टेंस टेन ओम है तो वायर का लेंथ कितना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे जो गिवेन थिंग्स है उसको नोट डाउन कर लेंगे तो गिवेन रो दट इज रेस्टिविटी इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस एट ओम मीटर अब फर्दर क्या दिया हुआ है इसके बाद, इसके बाद बाद दिया हुआ है रेजिस्टेंस आर इक्वल टू टेन ओम है ना डायमीटर कितना है जीरो पॉइंट फाइव जीरो मिलीमीटर तो डायमीटर जब 0.50 पॉइंट mm फाइव मिलीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर का हाफ दैट इज 0.50 जीरो मिलीमीटर ओके 0.25 मिलीमीटर अब फर्दर हम क्या करेंगे एरिया ऑफ क्रस्ट्रक्शन ऑफ द वायर निकाल लेंगे मतलब वायर का थिकनेस निकाल लेंगे यहाँ पे रेडियस दिया हुआ और एरिया ऑफ क्रस्ट्रक्शन क्या होता है पाई आर स्क्वायर जहाँ पे आर क्या है आर है रेडियस ओके यहाँ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा क्योंकि कैपिटल आर से हम डिनोट कर रहे हैं रजिस्टेंस ऑफ वायर और स्मॉल आर से हम डिट कर रहे हैं रेडियस ऑफ द वायर सो डोंट कन्फ्यूज बिटवीन अस्मॉल आर एंड कैपिटल आर ओके नाउ वी नो दैट वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू आइदर थ्री पॉइंट वन फोर और ट्वेंटी टू बाय सेवन हियर वी टेक वैल्यू ऑफ पाई इज ट्वेंटी टू बाई सेवन दैट इज ए ए एरिया इक्वल टू ट्वेंटी टू बाय सेवन इन टू रेडियस स्क्वायर एंड रेडियस इज जीरो पॉइंट टू फाइव बट हियर सम प्रॉब्लम्स वट दिस थिंग इज गिवेन इन मिलीमीटर बट वी नीड इन एस आई यूनिट सो हम लोग क्या करेंगे मिलीमीटर को डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मिलीमीटर सेंटीमीटर में आएगा फिर सेंटीमीटर से मीटर में तो अगर हम मिलीमीटर में कोई टर्म है उसको टेन टू द पावर माइनस थ्री या फिर थाउजेंड से डिवाइड कर दें तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है ओके तो यहाँ पे क्या कर दिए जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री का होल स्क्वायर तो फाइनली क्या मिला मेरे को एरिया ऑफ क्रोसेक्शन इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स मीटर स्क्वायर इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या जाएगा एरियाक्शन जीरो पॉइंट सिक्स मीटर स्क्वायर अब लेंथ निकालना है हमको लेंथ दिया हुआ नहीं है ओके वी नो दैट रेजिटिविटी रो इक्वल टू वाट आर ए बाई एल वेयर आर इज रेजिस्टेंस ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन and L is length of the wire. Okay, here given resistivity is 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. That means putting the values of given terms in this formula. Okay, so यहाँ pe resistivity diya hua hai isko put kar diye fir resistance दिया हुआ है, ten ohm put कर दिए, इसको area को रस्क्शन अभी हम लोग निकाले, zero point one nine six four into ten to the power minus six meter square और length पता नहीं है अब क्रॉस मल्टीप्लेशन करेंगे तो ये जो इसको हम लोग क्या करेंगे क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने पे आएगा यानी कि हो जाएगा एल इक्वल टू टेन इंटू जीरो पॉइंट वन नाइन सिक्स फोर इंटू टेन पॉल माइनस सिक्स और ये टर्म क्या जाएगा डिवाइड हो जाएगा इधर डिवाइड हो गया माइनस एट है ना और इसमें जो जो टर्म कट रहा है उसको तो काट देंगे टेन टू द पावर माइनस सिक्स से टू पावर माइनस सिक्स कितना बचा नीचे नीचे बचा टेन टू पावर माइनस टू यानी कि लिख सकते हैं एल इकल टू देखिए यहाँ टेन का पावर वन पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था और नीचे जो टेन टू पावर माइनस टू था इसको जो ऊपर ले आए तो क्या हो गया पावर तो सेम रहेगा बट साइन चेंज हो गया क्या हो गया माइनस से प्लस हो गया यानी कि टेन टू द पावर वन इंट टेन टू पावर टू इंटू जीरो पॉइंट वन नाइन सिक्स फोर है ना डिवाइडेड बाय वन पॉइंट सिक्स अब देखिए टेन टू द पावर वन टेन टू पावर टू क्या बेस सेम है तो पावर एड हो गया यानी कि एल इक्वल टू टेन टू द पावर थ्री इन टू अब ये जो टर्म है जीरो पॉइंट वन नाइन सिक्स फोर और नीचे डिवाइडेड में है वन पॉइंट सिक्स दोनों को क्या कर रहे हैं दोनों का हम जो डेसिमल है पॉइंट उसको हटा रहे हैं तो पॉइंट हटाने पे एक वन पड़ा और पॉइंट के बाद जितना नंबर है उतना जीरो कितना नंबर है वन टू थ्री फोर तो चार जीरो दे दिए यहाँ पे वन पॉइंट सिक्स था इसका पॉइंट हटाया तो इसका क्या आ गया नोमनेटर में वन आया और पॉइंट के बाद वन डिजिट है तो वन जीरो पुटअप कर दिए अब जितना जीरो कटेगा काट देंगे तो एक जीरो से ये जीरो कट गया और बाकी यहाँ पे थ्री जीरो से ये टेन का पावर थ्री कट गया तो फाइनली क्या मिल गया एल इक्वल टू वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी फोर बाय सिक्सटीन और जब इसको कट करेंगे तो कम्प्लीटली नहीं डिवाइड होगा बट क्या आएगा पॉइंट में आएगा वन हंड्रेड ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन मीटर अप्रॉक्स दैट मीन्स लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर और वायर इज वन हंड्रेड 22.7 मीटर तो आपका जो सर्किटल क्वेश्चन रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए जो भी दिया होगा आचार्य दिनेश एनसीईआरटी तो जो मैं दे रहा हम लोग डिस्कस करेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्ट्रेशन कॉम्बिनेशनिस्टेंसेस तो तो कर सकते हैं सीरीज में और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ओके थैंक यू वेरी वेरी मच हैव अ नाइस डे